भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्राम सभा खैराबाद से शुमैमा पत्नी अबू हुरैरा कर्मठ सशक्त ईमानदार जुझारू एवं शिक्षित प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह कैमरा पर मुहर लगाकर अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। मिशन शक्ति पर खड़ा हुआ प्रश्न चिन्ह जब न्याय के लिए दर दर भटकती रही महिला। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन शक्ति का आगाज किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके इन प्रयासों पर सवालिया निशाना खड़ा हो रहा है। जब एक महिला न्याय के लिए विगत कई वर्षों से दर दर भटकने को मजबूर है। घटना है थाना फूलपुर के अंतर्गत रहने वाली साधना देवी का, जो शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार होने के बाद न्याय के लिए विगत वर्ष एसएसपी कार्यालय पहुंची तो वहां से उनको सिर्फ सांत्वना मिली, जिसके बाद लगातार वह इस थाने और उस थाने का चक्कर लगाती रही, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। आज लगभग एक साल होने को है, उसके बाद भी मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण की शिकार। और आराधना देवी ने बताया कि श्रीकांत पटेल ने उनसे शादी का वादा कर शारीरिक शोषण किया, फिर जब बात शादी पर आई तो वह बात को टालने लगा। इसके बाद महिला थाने पहुंची तो वहां पर 2 से 3 बार शादी का तारीख तय करने के बाद भी जब श्रीकांत मौके पर नहीं पहुंचा तो आज परेशान होकर राधा देवी पुलिस कमिश्नर के यहाँ न्याय की गुहार लगाई। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधना देवी है। मैं आई थी शादी करने श्रीकांत पटेल से। मेरा कोर्ट से शादी था, मन जो है कि वो करने वाला था, इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन वो शादी करने से मना कर दिया। क्यों, क्या मामला? क्योंकि जो है कि हम दोनों में पहले जो है कि दोस्ती था, उसके बाद उसने मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश की, तो वो बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं बोली ठीक है शादी करेगा, तो ठीक है शादी करने के लिए बोला, तब मैं उसके बातों में आई। उसके बाद जब मैंने उससे शादी के लिए बोला तो वो टालता गया, फिर अचानक मामला उसने, कितने दिन पुराना मामला? ये लगभग 3 साल पहले का है। जी, इस संदर्भ में आपने कहा किसी को एप्लीकेशन दिया? किसी जी, मैं एसएसपी कार्यालय में मैंने दिया था दरखास्त। वहाँ से मेरा जो है कि गया महिला थाने में, मेरा केस महिला थाने से मैं आज तक दौड़ रही हूँ। वहाँ पे जाने के बाद लड़के को बुला के फिर जो है कि पूछा गया कि क्या शादी करोगे, या फिर मैंने 2 ऑप्शन दिया, या शादी करो या फिर भी मुकदमा लड़ो, तो लड़के ने फिर शादी करने के लिए हाँ बोला। हाँ बोलने के बाद डेट पड़ी 16 तारीख को डेट पड़ी, और तब से लेके वो 16 को नहीं आया, फिर डेट पर रखा, फिर नहीं आया, ऐसे करके 4 डेट हो गया। आज भी मैं आई हूँ तो शादी के लिए आई थी। तो जब डेट दे दिया था लड़के ने, तो आज क्यों मुकर रहा है? क्योंकि वो पहले सोच रहा था कि मैं अपना रास्ता बना लूँ ऐसे टालते टालते बचने का, अब रास्ता बना लिया होगा, इसलिए भी आज उसने उल्टा मेरे ऊपर FIR कर दिया मेरे थाने से। एविडेंस में आप क्या रखे हैं? एविडेंस है मेरे पास हर तरीके का एविडेंस, जो कि मैं हर थाने पे जमा कर चुकी हूँ, थाने पे भी जमा की हूँ, SSP कार्यालय। एविडेंस में क्या क्या आपके पास है? एविडेंस में मेरे पास चैटिंग है, व्हाट्सएप का है, और वॉइस रिकॉर्डिंग है, और पिक्चर्स है। चैटिंग में किस तरह का चैटिंग? चैटिंग में उसने बोला है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, जो कि मेरे पास प्रूफ है।